सिविल्स गैलेक्सी बाय दृष्टि वर्मा। देखिए आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट वन इंस्ट्रोडक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो UPPCS हो, UPSC हो, कोई भी PCS हो, SSC हो, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ये सारे सीरीज़, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है, देन कहाँ से हम सोर्स लेंगे, इसके बाद से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट्स हैं कहाँ कहाँ से लिए गए। एक तो ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप, बहुत ही अच्छी बुक है। जो भी सिविल्स की तैयारी कर रहा होगा उसको तो पता ही होगा कि सबको लेना ही होता है। एंड देन एम लक्ष्मीकांत बाय टाटा मैक्ग्रो-हिल, ये भी बहुत अच्छी, इससे भी मैंने लिए हैं। ये सारी सीरीज़ बायलैंग्वेल्स होंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश में ही, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी में ही होगी। ओके, तो कंटेंट्स मैंने लिए हैं अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप, और इससे एम लक्ष्मीकांत एम टाटा मैक्ग्रो-हिल की ये बुक है। नेक्स्ट है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन का बोल लीजिए, गीता, रामायण, जो भी बोलें, बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जैसे कि जितने भी जो केसेस हुए हैं, बेरू बेरी बनाम केसेस, जो भी केसेस हुए हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। तो अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। हमें किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर विच इट्स पीपल आर टू बी गवर्न। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा जो वहाँ के लोग होते हैं वो गवर्न होते हैं, वो शासित किए जाते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कोई ये नया कॉन्स्टिट्यूशन है, नए रूप में तैयार किया गया, हमारे पुराने ज़माने से लेकर जो बेसिक है, आप जितने भी ऋग्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, वहाँ से समिति सभा स्टार्ट की गई थी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो इसका जो हिस्टोरिकल पार्ट है यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ है कि भीमराव अंबेडकर जी ने बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, नहीं। सभा समिति ये पहले से ही राजा महाराजा की तरह से चले आ रहे हैं, पर इसका फॉर्म चेंज होता गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन तब भी था, कॉन्स्टिट्यूशन अब भी है, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, इट्स पीपल आर टू बी गवर्न। अपने पीपल्स को कैसे गवर्न करना है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। ठीक है, इसके मेन्स ऑर्गन क्या है, द स्टेट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द ज्यूडिशरी। इसके फोर पार्ट मेन स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहला पार्ट होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज ए गिस्ट लिया गया है, एज ए सिनॉप्सिस लिया गया है। क्या होता है कि आप प्रियम्बल को देख के बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें थंबनेल में लगाया है, प्रियम्बल का ये पिक लगाया है कि क्या है प्रियम्बल, क्या कहना चाह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रियम्बल को देख के पता लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स 22, गणना के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 25, वैसे 22। एंड शेड्यूल, शेड्यूल क्या है, पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए शेड्यूल्स बनाए गए हैं कि इस पार्ट में ये है, फिर उसके अंदर कितने शेड्यूल्स हैं, वो है शेड्यूल्स उनको पार्ट्स को सपोर्ट करता है, और इसमें 448 आर्टिकल्स हैं। तो इंट्रोडक्शन में अभी इतना ही है, नेक्स्ट हम पार्ट्स में स्टार्ट करके बताएंगे और पूरा सीरीज चलाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब सिविल्स गैलेक्सी बाई दृष्टि वर्मा। थैंक यू।